फैकल्टी अच्छा है, फ्रेंडली टीचर्स है, पढ़ाते अच्छे से हैं। ओके, डाउट होती होंगी फिर उसको मतलब कैसे वो लोग हैंडल करते हैं? हम लोग में एक पैरेलल क्लास चलता है जिसमें कि स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ाया जाता है जो शाम में होता है। ओके, बीच में पर वीक टेस्ट भी होता है, उसका टेस्ट पेपर डिस्कशन भी होता है और एक्स्ट्रा क्लासेस लगता है डाउट के लिए। सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू करियर फिनोलॉजी। और हम अभी जा रहे हैं विजन क्लासेस जहाँ पे कुछ स्टूडेंट मिलेंगे हमें, तो उनसे हम रिव्यू लेंगे। यहीं पे है विजन क्लासेस, ये रहा विजन क्लासेस का एक ब्रांच और एक अपोजिट साइड पे उस साइड में है, उस साइड में भी है। तो यहाँ पे हम कुछ देर वेट करेंगे, जब बैच ओवर होंगी तो कुछ बच्चे आएंगे यहाँ पे, तो हम उनसे रिव्यू ले पाएंगे। करियर फिनोलॉजी और हम आ चुके हैं विजन क्लासेस के पास, जो कि कुछ बच्चे मिलेंगे यहाँ पे, तो हम उनसे रिव्यू लेंगे और जानेंगे कि वो अपने स्टडी को लेकर कितने सीरियस हैं और कैसे पढ़ाई चल रही है, क्या है उनका फीस स्ट्रक्चर और बाकी जितने भी क्लासेस ओवर होने की टाइम हो गई है। तो अभी जस्ट बच्चे आएंगे तो हम उनसे रिव्यू लेंगे कि क्या है विजन का फीस स्ट्रक्चर और कैसी है यहाँ की फैकल्टी, वही सब बच्चों को बताएंगे, तो फिर उनके माध्यम से हम आपको अपडेट दे पाएंगे। नाम बताइए भाई। मेरा नाम है आशीष ओझा। ओके, हेलो आशीष भाई, मेरा नाम निर्वय है। और मैं करियर फिनोलॉजी, आप किस चीज़ के लिए यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? आईआईटी के लिए। आईआईटी जेईई मेंस के लिए? तो मेंस ने एडवांस के लिए। एडवांस के लिए, तो ओके। तो यहाँ पे कैसा है माहौल? कॉन्फिडेंस सही है, एक नंबर, फर्स्ट क्लास, टॉप क्लास के फैकल्टी हैं, टॉप क्लास के बच्चे भी बहुत मेहनत थे, कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है, कॉम्पिटिशन अच्छा है। हाँ, तो मतलब कि अगर आपको कोई डाउट होता है करियर, डाउट भी आपका डाउट क्लास ऑन रहता है 9 घंटा। और यहाँ पे मेन फोकस किस चीज़ को लेकर होता है? मेन फोकस किस चीज़ पे होता है? आईआईटी, आईआईटी पे ही। और आपका जो आप जो 11th 12th स्कूल या कॉलेज से कर रहे होंगे उसके बारे में क्या? जो सर नोट्स लिखवाते हैं उसी में सब कुछ हो जाता है, एनसीईआरटी उसमें हो जाता है, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं। एनसीईआरटी बेस हो जाता है, एनसीईआरटी हो जाता है। तो ये सारे भाई लोग हैं जो विजन में पढ़ते हैं, तो ये लोगों ने बताया कि विजन काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले ब्लॉग बनाते हैं क्या? यूट्यूब चैनल का नाम? राकेश जी आप विजन में पढ़ते हैं, तो राकेश जी विजन में पढ़ते हैं, तो आपकी जो कोचिंग स्टडीज है आप यहाँ पे किस चीज़ के लिए पढ़ाई करते हैं? तैयारी करते हैं ओके। तो मतलब यहाँ पे 12th का भी ये होता है, 12th बेसिस पे भी जैसे सर लोग मतलब कि स्टडी पढ़ाते हैं, तो किस चीज़ की मतलब कि सिलेबस को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, जेईई मेंस का या फिर जो एनसीईआरटी बुक होती है उन सबका? मिक्सअप रहता है। तो कोई एक्टिविटी जैसे आपको कोई डाउट हुई तो फिर डाउट चालू रहता है, डाउट के लिए सेशन होती है अलग, हमेशा रहता है, ऑफिस में जाकर पूछ सकते हैं ऑफिस में। तो ये राकेश भाई है और ये विजन में पढ़ाई करते हैं। आप लोग विजन से हो क्या? आप लोग विजन से हो? हाँ बोल भाई, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवम हूँ, बस नीट का तैयारी करता हूँ। नीट का तैयारी करता हूँ? नीट का। तो यहाँ पे मतलब जैसे कि जेईई मेंस का भी होता है और नीट का भी प्रिपरेशन होता है जी। और 12th बेसिस का क्या ये है? 12th बेसिस मतलब मतलब आप जिस 11th 12th तो कहीं से ना कहीं से आपका नहीं रहेगा। 11th 12th हम पास आउट हैं। तो पास आउट हो, उसके बाद आप नीट की तैयारी कर रहे हैं? टारगेट दिए हैं, टारगेट। ओके, तो मतलब कि यहाँ पे क्या है मतलब कि फी स्ट्रक्चर क्या है? फी स्ट्रक्चर तो हम लोग का जैसे लगा हुआ है 40,000 जी। तो मतलब कि 1 ईयर के लिए या फिर? नहीं, टारगेट है तो 1 ईयर ही है। टारगेट आप कर रहे हो तो इसमें, और जो मतलब कि होल आप भाई अभी टारगेट ही कर रहे हो? हाँ, आप भी नीट ही कर रहे हो? हाँ, नीट का टारगेट। ओके, तो आप लोगों की क्लासेस आर्ली मतलब कितने मतलब कैसे होती है? इससे तो मतलब डेली हम लोग का 4 क्लास लगता है, 4 क्लास लगता है, 7 बजे से लेकर 2 बजे तक चलता है क्लास। अच्छा, और फिर आप लोग रहते कहाँ? डेली रहता है पास में ही हॉस्टल है, उसमें लोकल। ओके, और ये विजन प्रोवाइड ही करता है क्या? हॉस्टल हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जी। तो जिसमें उसकी क्या फ़ी होती होंगी हॉस्टल की? उसका तो मतलब कि सिंगल रूम लीजिएगा तो 75,000 वही होता है, 2500 रहेगा। ओके,
और आप लोगों को क्या ये पता है कि ये बोथ ईयर का मतलब कि 11 12 का कितने कोर्स फी है इनके? 80,000 इससे कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट भी टेस्ट ये लोग लेता है लोग एट द टाइम पे कीजिएगा तो कुछ कम डिस्काउंट मिल जाता है। ओके शिवम भाई, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपको आपके थ्रू अपने व्यूवर्स को बहुत मतलब अच्छी जानकारी दे पाऊँगा। अरे भाई आप हेलो शिवम, मेरा नाम निर्भय है और मेरा यूट्यूब चैनल है कैरियर फिनोलॉजी, जिसपे हम आप अभी यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आई आई टी जेई मेंस का। तो आप अभी 11 12 भी कहीं से कर रहे होंगे? कौन से स्कूल से? मोतिहारी के आप रहने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या CBSE बोर्ड है या CBSE ही है? तो मतलब कि यहाँ पे अभी क्या है फीस स्ट्रक्चर आपका क्या है? फाउंडेशन बैच है आपका? फाउंडेशन से ही है। आपका नाम क्या है? मयंक भारद्वाज। हेलो मयंक भाई, मेरा नाम निर्भय है और मैं मुझे यही जानना है कि आप जो विजन पढ़ रहे हो यहाँ पे फैकल्टी कैसी है? फैकल्टी अच्छा है, फ्रेंडली टीचर्स है, पढ़ाते अच्छे से। ओके और डाउट जो डाउट जो आपको डाउट होती होंगी फिर उसको मतलब कैसे हैंडल करते हैं? हम लोग में एक पैरेलल क्लास चलता है जिसमें कि स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ाया जाता है जो शाम में होता है। बीच में पर वीक टेस्ट भी होता है, उसका टेस्ट पेपर डिस्कशन भी होता है और एक्स्ट्रा क्लासेस लगता है डाउट के लिए। ओके तो वर्कशॉप भी होता है? वर्कशॉप बोल रहे हो? वर्कशॉप मतलब उसमें हम लोग क्वेश्चन दिया जाता है। ओके उस क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। ओके कुछ क्वेश्चन हम लोग क्लास बनवाया जाता है, फिर कुछ होमवर्क दिया जाता है। अच्छा तो क्या बोल रहे थे जैसे कि आप लोग अभी स्टडी कर रहे हो तो इसमें मतलब कि स्कॉलरशिप टेस्ट भी होती होंगी? स्कॉलरशिप ने इस बार तो हम लोग का नहीं हुआ था, लेकिन होने वाला है, हर साल होता है। बैच का ये होने वाला है ना? ओके होने वाला है। तो आप लोग कब एडमिशन लिए थे इसमें? हम सितंबर में लिए थे। तो उस 11th के हो आप लोग? 11th में हम लोग। ओके ओके मयंक भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा चैनल है ऐसे करियर फिनोलॉजी, जिससे आप जैसे स्टूडेंट से मैं बातें करके और मैं अपने व्यूवर्स को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो चलिए अच्छा लगा भाई, थैंक यू ब्रदर।